नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी 2023 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरा देश इस खास दिन का इंतजार कर रहा है। ऐसे में आज हम आपको अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह से जुड़ी एक बड़ी ही खास जानकारी देने जा रहे हैं। राम मंदिर को डिजाइन करते समय राम मंदिर के आधार से 2000 फीट नीचे एक महत्वपूर्ण वस्तु रखी गई है, जिसे टाइम कैप्सूल कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टाइम कैप्सूल है क्या, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल टाइम कैप्सूल विशिष्ट घटकों यानी कि स्पेसिफिक कंपोनेंट से बने एक कंटेनर की तरह होता है। जी हाँ, ये टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम को झेलने में सक्षम है। इसे जमीन के अंदर गहराई तक दबा दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इतना गहरा होने के बावजूद भी इसे हजारों साल तक कोई नुकसान नहीं होता, इस पर एनवायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस टाइम कैप्सूल में किसी समय या घटना की जानकारी लिखकर सील कर दी जाती है और इस कैप्सूल को जमीन के भीतर गहराई में गाड़ दिया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर टाइम कैप्सूल रखने की वजह क्या होती है, तो जानकारी के लिए आपको बता दें, टाइम कैप्सूल दफनाने का उद्देश्य किसी समाज, युग या देश के इतिहास को संरक्षित करना है। ये भविष्य के लोगों के साथ संवाद करने का एक तरीका है। इससे भावी पीढ़ी को किसी विशेष युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राम मंदिर के लिए सभी ने कड़ा संघर्ष किया है। कई लोगों के प्रयासों की सफलता से अब राम मंदिर खड़ा हो गया है। इस मंदिर के इतिहास, जानकारी और परंपराओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें राम मंदिर के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए इस टाइम कैप्सूल को रखने का निर्णय लिया गया। अगर भविष्य में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो अगली पीढ़ी को खुदाई में ये टाइम कैप्सूल मिलेगा और उस पीढ़ी को सटीक और सही इतिहास का पता चल। टाइम कैप्सूल में तांबे की प्लेट पर मंदिर का संक्षिप्त इतिहास, स्थापना तिथि, भूमि पूजन करने वाले मुख्य अतिथि, उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के नाम, निर्माण की शैली और वास्तुकार का नाम लिखा गया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय श्री राम।